शहरी ने दूर से हमें इशारा किया है कि हमारी बात सुनने, हम उनकी बात सुनते हैं। सामने क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ ना, काफी सारे लोग खड़े हैं, एक का चलान कर लेंगे बाकी सारे जाते रहेंगे। अच्छा, या एक घंटा चलान करेंगे बाद में फिर दोनों बैठ जाएंगे वहाँ पे कैबिन में। अच्छा। चौक में कोई भी नहीं होगा। अच्छा। सब हेलमेट के बगैर जा रहे होंगे। क्यों एक जैसा क्यों नहीं करते सारा रिकॉर्ड? बाद में नेशनल बैंक में दो जमा कराने तो वो रश लगा होता है इतना कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, चलान का रश? हाँ, चलान का बहुत रश होता है। इन पे भी हम बात करते हैं कि इनको अच्छा होना चाहिए। इकदाम कैसे हैं ये गवर्नमेंट के, या कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, आवाम की भलाई के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ये सख्ती नहीं करते। अभी तक देख लीजिए खड़े हैं हेलमेट के बगैर ही खड़े हैं सारे। ठीक है, कोई चलान नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय हम शामिल कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। एक गाड़ी को रोका ट्रैफिक वार्डन ने, तो हम जरा पूछते हैं भाई चलान क्या सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चलान क्या सीन है इंसान को? फौजी टर्न ले रहे हैं। गलत टर्न लिया? गलत टर्न लिया। अच्छा, तीन चलान पहले का हुआ उनका? ये 17 तारीख का हुआ है। इसके बावजूद ये देखें इसमें कितनी बार निकाली हुई है ये। हाँ। और इससे भी कहते हैं कि ये हमें एक ही चलान करवा, आगे भी 4-5 दिन चले। अच्छा, मगर ऐसा तो नहीं ना होता, ये देख लें खुद ही आप इसका साथ। चले। और एम्बुलेंस आ रही है पीछे रास्ता, ये देखे ना क्लियर क्यों नहीं हो रहा दादर? एम्बुलेंस चले, ठीक है, निकल गई एम्बुलेंस ही। अच्छा, मुझे ये बता दें आप कि जो रिस्पांस कैसा आ रहा है, हेलमेट की कंपेन आपने स्टार्ट की है या ओवर स्पीडिंग की? जी सर, सर कार्रवाई तो हम भरपूर कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के भी ऑर्डर आ चुके हैं, तो इसलिए कार्रवाई तो मुसलसल जारी है। तकरीबन आप देख भी रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि हमने पहनना चाहिए हेलमेट वगैरह और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली मान तो रहे हैं, मगर पहनने को अभी इतनी जल्दी तैयार नहीं है। ठीक है, चलें अब इससे बात करते हैं ड्राइवर से। आप ड्राइवर हैं, क्या हाल है? आपको नहीं पता ये अलाउड नहीं है इस तरह, ओवरलोडिंग है, तो क्यों फिर कर रहे हैं आप? तो क्या करें, पेट की खाते करना पड़ता है। गलती है ना? हाँ जी, मैं मानता हूँ। चलान अगर आपका कितने दिन पहले होगा? ये मेरा 3 दिन पहले का होगा, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक आप नहीं? सर ये अभी बैंक वगैरह का मसला, ये जो हमारा मैं उनकी वजह से मसला बना। किधर आईडी कार्ड पे होगा, लाइसेंस पे होगा? वो लाइसेंस पे होगा? नहीं नहीं, आईडी कार्ड पे होगा यार इस तरह ना। आप लाइसेंस किधर है आपका? लाइसेंस नहीं है। ये गलती तो आपकी है ना, गलती मान मैं मान रहा हूँ। मुझसे वादा करें कि आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, रोजी जो है ना बाहर चीज है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं बंदे को रोजी दूंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम ठीक है नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि एक और इकदाम है कि 60 से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। सर मैं 60 से ऊपर जाता भी, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा इकदाम है ये? अच्छा, अच्छा स्टेप है, लोगों को नहीं जाना चाहिए 60 से ऊपर। ठीक है जी, एहतियात करनी चाहिए और ये मान भी रहे हैं कि गलती है, ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं ये और मान भी रहे हैं अपनी गलती की, इनकी गलती है। और मेरे सामने ही देखें नाजरीन, इस तरफ देखें कैमरा ज़रा कि जी ये अब खुदा ना खासा यहाँ पे भी कोई हादसा हो सकता है। भाई किधर जा रहे हैं इस तरफ, क्या हाल है? ये कौन सा रोड निकाला है आपने ये वाला? यार बाइक ख़राब है, मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। ख़राब हो गई है? हाँ जी। हेलमेट किधर आप? हेलमेट ले रहा हूँ मैं आज कल में हाँ सर, चलान हो रहे हैं यार। अच्छा चले, मुझे दूसरा आप ये भी बता दें, ये तो गलती आपने मान ली कि बाइक ख़राब होगी, चले हम भी मान लेते हैं। हाँ ये ठीक है ना, लेकिन बाइक ख़राब होगी झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि एक और इकदाम है कि 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। मेरे तो वैसे 60 से ऊपर जाती नहीं बाइक। वो थोड़े में ओवरऑल आपसे जाना चाह रहा हूं, सिर्फ ये बता दें कि एक इकदाम है कि जो 60 से ऊपर जाएगा जेल रोड पे, मॉल रोड पे, कैनाल रोड पे, उसका चलान हो जाएगा सेफ सिटीज के थ्रू। यार 60 में तो मेरा ठीक है स्पीड, ऐसे कोई नॉर्मल स्पीड है 60। अच्छा एग्जाम है ना, 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको? बिल्कुल ऐसे। जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। भाई हमारे साथ ही है, गाड़ी भी उन्होंने प्रेस का नंबर प्लेट भी लगी है, लेकिन मान ने अपनी गलती कि खैर बाइक ख़राब होगी, हेलमेट कह रहे हैं 1-2 दिन में ले लूँगा। हम साथ ही, हमें भी बिल्कुल लेना चाहिए हेलमेट, हमें भी कानून हमारे लिए भी एक ही बराबर है। हम ये नहीं कहते कि हम साथ ही उसके गलत या नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ और हम जो हैं वो हेलमेट ना पहने या कोई भी कानून ना माने, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम भी इसीलिए नाज़रीन आप तक आवाम तक ये बात हम पहुंचा रहे हैं कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं आपकी सेहत के लिए किए जाते हैं। और पीछे अब ये चलान हो गया है, तो चलान होगा तो हम समझेंगे ना, फाइन होगा तो हम समझेंगे। तो अब यही है, जिम्मेदारी आप पे बनती है कि आपने करना क्या है, कानून को फॉलो करना है या नहीं करना, अपनी जान की हिफाजत करनी है या नहीं करनी।
दसवें कल के प्रोग्राम में हमने डिटेल में बात की थी कि जो बच्चे या वो अफराद जो हेलमेट नहीं पहनते कितना नुकसान है उनका, और आज क्योंकि जुर्माना भी उनको किया जा रहा है, और हमने डिटेल में बात की कि अंडर एज ड्राइवर्स पे क्या करना चाहिए, और जो कैंपेन स्टार्ट की गई है हाई कोर्ट के कहने पर ट्रैफिक पुलिस ने, वो कहाँ तक जा रही है। कल हमने CTO साहब कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली हमारे साथ कल भी मौजूद थे, और आज भी हमने उनसे उनका कीमती वक्त लिया है, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग कितना ज़्यादा असरअंदाज होती है, कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ज़िंदगी से। सिद्धू साहब बहुत शुक्रिया, आज भी आपकी गिनती वक्त आपने टाइम निकाला, आज भी हमारे लिए क्या समझते हैं। कल हमने डिटेल में बात की थी कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको तो नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, आज हम बात कर रहे हैं ओवर स्पीडिंग पे। स्पीड लिमिट अब मुतय्यन कर दी गई है जो लाहौर शहर की आम शहराएँ हैं उस पर, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसको? देखिए, लाहौर में आपको पता है कि तकरीबन 8000 के करीब कैमराज हैं जो सेफ सिटी के लगे हुए हैं, और उनकी सेंट्रल वहाँ पे सेफ सिटी में ही मॉनिटरिंग होती है, वहाँ हमारे वार्डन्स मौजूद हैं और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के जरिए उनकी मॉनिटरिंग होती है, और हमारे वार्डन्स भी उसको उनको सुपरवाइज़ करते हैं। तो लाहौर में जो जनरली कैनाल के ऊपर अगर आप देखें तो कैनाल के ऊपर जो है HTV की स्पीड जो है वो 40 है और NTV 60 किलोमीटर। जनरली ये जो मेन कंजेस्टेड रोड्स हैं वहाँ पे तो ओवर स्पीडिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है और इतनी वो कंप्रेस्ड होती है, बम्पर टू बम्पर लोग बाज़ अगर चल रहे होते हैं तो वहाँ पे ओवर स्पीडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन पेरिफेरी पे जो बड़े रोड्स हैं, मसलन अगर बहरिया की तरफ कहीं चले जाएँ आप, या सम टाइम लेट नाइट कैनाल के ऊपर आप चले जाएँ, या उसके बाद आप मेन बुलेवार्ड पर चले जाएँ, और उसके बाद आप चले जाएँ डिफेंस में वतन चौक, और उस तरफ चले जाएँ राइवन रोड पे इवन चले जाएँ, तो इन एरियाज़ में या ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें, क्योंकि आइसोलेटेड वो जो है ना पॉकेट्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पे लोग दे डू इट। जो कंसर्न वाली बात है वो ये है कि आप, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि एक रिमोट सोसाइटी है और उस सोसाइटी में बिल्कुल अभी वीरान है, अभी बनी नहीं है, और वहाँ रोड के ऊपर अगर एक बच्चा जाके तो ओवर यानी स्पीड कर रहा है और वो कर रहा है व्हीलिंग कर रहा है फॉर दैट मैटर, और इस तरह की चीज़ कर रहा है, तो वो हर एक की नज़र से ओझल है बिल्कुल, लेकिन मर वो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है उसकी, वो हो रहा है, वो गिर भी रहा है, डेथ भी हो रही है और ज़ख्मी भी हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ ये 8000 सेफ सिटी के कैमराज उसको मॉनिटर करते हैं, वहाँ 593 पॉइंट्स के मेरे वार्डन भी मौजूद हैं, वो भी चेक करते हैं, ठीक है। क्या सेफ सिटीज़ के पास ये इख्तियार है कि वो चलान कर सके, और अगर पहले कोई चलान होता तो किसका, उसका अगर हमें बताइएगा नाज़रीन के लिए जी, उसमें ये है कि अभी जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट की समरी जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में चली गई है, ठीक है। उसमें जो सेक्शन है 216A उसका सब सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक है, उसमें ये सारा प्रोसेस है कि चलाने कैसे हो, ठीक है। जो ई टिकटिंग है वो स्टार्ट होती है जो इलेक्ट्रॉनिक वायलेशन रिकॉर्डिंग से, इलेक्ट्रॉनिकली जो रिकॉर्ड होगी यानी जो CCTV कैमरा के जरिए रिकॉर्ड होगी, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड वायलेशन होगी, वो वायलेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द ट्रैफिक पुलिस कंसर्न, ठीक है। वो ट्रैफिक ऑफिशियल विल एनालाइज दैट वार्डन एज पर सबसेक्शन 9216A मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, वो उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद प्रोसेस करेगा और इन ट्रिप्लीकेट चालान इशू करेगा, ठीक है। फिर वो चालान आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, मुझे इसका प्लानिंग जब आपने की कि जी शाहराएं कौन कौन सी चुनी है उसके बारे में बता दें, प्लान क्या है, क्या किस तरह चलेगा जी? उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अभी जो प्लान है वो इस तरह है कि हम डिजिटली मॉनिटर करना चाह रहे हैं बेसिकली सेफ सिटी की मदद के साथ, और ये 5 रोड्स हैं हमारी जो फेज़ 1 में हमने इनको चुना है, जिसमें माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मेन बुलेवार्ड है, मौलाना शौकत अली रोड है, और इन 5 रोड्स को आप देखें कि जिसमें सबसे पहले अभी आपको मैं माल रोड शो कर रहा हूँ, तो माल रोड को भी फर्दर हमने फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसका जो पार्ट 1 है वो PMG चौक से लेकर डेविस चौक तक, ठीक है। इसके अंदर हमने स्पेशल 2 सुपरवाइजरी अफसर दे दिए, 2 इंस्पेक्टर, 12 पेट्रोलिंग ऑफिसर, 25 वार्डन, 7 ट्रैफिक असिस्टेंट्स और 3 लिफ्टर दे दिए, ठीक है। ये 4.15 किलोमीटर का एरिया है, यानी 4.15 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 13 सिग्नल्स और यू टर्न है, 23 ड्यूटी पॉइंट और 24 कैमराज लगे, इसको फर्दर 2 सेक्टर्स में हमने तकसीम कर दिया और इसमें 5 डबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेज 1 में 5 रोड जो मैंने पहले बताए हैं उन पे कंसंट्रेट करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी मॉल रोड को हम मॉडल बनाएंगे और उसके बाद हम बाकियों को आगे लेके चलेंगे। इसी तरह मॉल रोड का ये दूसरा सेक्शन, ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम डेवस हज टर्मिनल तक जाएगा, तो इसमें कैमराज कितने हैं, पेट्रोलिंग ऑफिसर, ये सारा मकसद ये है कि अभी हम इनकी मॉनिटरिंग जो करेंगे, इसी तरह ये बाकी रोड्स हैं, जेल रोड है
और मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, और इसी तरह ये मौलाना शौकत अली रोड है और ये फिरोजपुर रोड है, कतबा चौक से गजुमा तक। तो हम इनको इस तरह करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इनकी डिजिटल मॉनिटरिंग हो, सेफ सिटी कैमराज के साथ इनकी मॉनिटरिंग हो, और उस डिजिटल मॉनिटरिंग में हम ये चाहते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का जो कैमरा है वो कैमरे का है उसके अंदर हमारा वार्डन, ठीक है, जो ही वो उस फील्ड ऑफ व्यू से आउट हो तो वो साथ ही पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम है उसके ऊपर सेफ सिटी से अनाउंस हो कि आप गैर हाजिर हैं, आप फ़ौरन वापस आए, तो वो फ़ौरन कैमरे के अंदर आ जाए, ठीक। दूसरा वो वहीं से अनाउंस करे अगर कोई लाइन की वायलेशन कर रहा है, लेन की वायलेशन कर रहा है, तो वो अंदर से सेफ सिटी से कैमरा से देख के करे कि जी ये वार्डन साहब के जो लोग खड़े हैं ये स्टॉप में लाइन से आगे आगे हैं, इनको पीछे करें। अगर वार्डन कहीं कोई लेजी खड़ा है, सुस्त है, या बैठ गया कहीं मोटरसाइकिल पे या आगे पीछे, तो वो उसको इमीडिएटली देख के कहेगा कि आप सुस्त हैं, साइड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये वायलेशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से हम इसकी मॉनिटरिंग शुरू करें, ठीक है। उसके लिए हमने एक फिर पूरा मैकेनिज्म ये कि इनकी एक तो उससे ये पता चल जाएगा वार्डन कहीं किसी को पैसे ले रहे हैं कैमरे में नजर आ रहे हैं, कैमरा ऊपर सुपर इम्पोज, अगर कहीं को वार्डन के साथ ज्यादती कर रहा है या वार्डन किसी के साथ कर रहा है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो उसी फील्ड ऑफ व्यू में है किसने क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें हमें एक तो वो मॉनिटरिंग में आसानी हो जाएगी, प्रेजेंस इनकी यकीनी हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर इसके हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ बनाए हैं कि मसलन आप देखें कि जेल रोड पे अभी एक महीने में 1,29,774 चालान हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें ओवर स्पीडिंग 1,00,000 के करीब है, लाइन लेन की वायलेशन 722 है। इसी तरह माल रोड के ऊपर एक महीने में, अगस्त के महीने में 4,97,974 चालान यानी वायलेशन है, जिसमें 3,30,000 जो वायलेशन है ना वो सिग्नल वायलेशन है, और जो है ना 30,000 लाइन लेन की वायलेशन है, और 1,17,000 जो है स्टॉप लाइन की वायलेशन है। इसी तरह हमने हर रोड की किया, इसको हम फिर कंपैरिजन करेंगे कि मॉनिटरिंग के बाद इसमें क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा जी, तो मुझे ये भी बताइएगा कि जो हमने ये तो आपको हेल्प मिल जाएगी ना सेफ सिटी से, जो कैमराज 8,000 लगे हुए हैं या इन अहम शहरों पे कैमराज लग जाएंगे, तो जहाँ पे आपके वॉरियंस पहले बैठते थे वो एक स्पीडोमीटर लेके, उनका क्या किरदार पे ख़त्म हो जाएगा, उनका किरदार क्या, वो क्या वो अपना काम जारी रखते हैं? देखिए 100% सारी चीज़ें तो उससे कवर्ड नहीं है ना, बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे अभी मतलब अभी जो हमारी जो स्पीड गन है वो हम कैंटोनमेंट के एरिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, उस एरियाज में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो है ना ये क्योंकि अभी कैमरे जो हैं ये भी स्पीड डिटेक्ट करते हैं 8,000, तो ये एक एडिशनल सपोर्ट है, क्योंकि उसके पास हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। एक तो ये आ जाएगी, दूसरा इससे डेटरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह, और उसमें बेहतरी के अमकान ही हैं इंशाल्लाह कि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और हमारा वार्डन जो है वो फिर थोड़े से उसके फंक्शंस जो है ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जब कैमरे ने डिटेक्ट करके चालान चीज़ें भिजवानी हैं तो फिर उसको ज़बरदस्ती हर बंदे को नहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है, फिर कैमरा ये भी साथ उसमें आना शुरू हो जाएगा कि जी जो लड़ाई की है वो मोटरसाइकिल वाले ने की है या वार्डन ने निशे, तो ये चीज़ें सारी उस पर आने शुरू हो जाएंगी, तो चीज़ें अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके कीमती वक्त दिया। जी, मैं लाहौर न्यूज़ और बनाम तख्त लाहौर की टीम को एक तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ तमाम नाज़रीन तक पहुँचाई, और मैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम जब आपको हेलमेट पहनने का कहते हैं, जब सीट बेल्ट बांधने का कहते हैं, जब ओवर स्पीडिंग से बचने का कहते हैं, जब हम आपको रोड के ऊपर एहतियात से ड्राइविंग करने का कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कम उम्र बच्चों के हवाले मोटरसाइकिल ना करें, जब हम ये कहते हैं कि पहले लाइसेंस हासिल करें फिर गाड़ी चलाएं, जब हम आपको ये कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को जंप ना करें आपकी जान को ख़तरा है, तो दरअसल हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपको कह रहे होते हैं। बराए मेहरबानी ट्रैफिक पुलिस के साथ तआवुन कीजिए, ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए और आपकी हिफाजत के लिए सड़कों के ऊपर खड़े। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की ओवर स्पीडिंग की, और आपको लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों का अहवाल भी हमने आपके साथ शेयर किया, हमने सिटी से भी आपकी मुलाकात कराई, हम आपको जो सेफ सिटी के सेफ सिटी अथॉरिटी है उसके दफ्तर भी आपको लेके चले कि ये निज़ाम जो एक आने जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग अलाउ नहीं होगी, कानून की कोई भी जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते लोग उसकी वायलेशन को किस तरह से टैकल किया जाएगा, किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे और किस तरह से चालान घर पहुँचेगा, हमने सारा सिस्टम आपके साथ शेयर किया। अब जिम्मेदारी बनती है आपकी, डिपेंड करता है अब आप पे कि रियासत ने अदलिया ने इस बात का हुक्म दे दिया कि आपने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन नहीं करनी है बल्कि आपने पाबंद होना है ट्रैफिक कवानीन का, हेलमेट का आपने इस्तेमाल करना है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने अंडर एज का जो मामला था ड्राइवर्स का वो भी उठाया था। नाज़रीन, अदलिया ने अगर अहकाम दिए तो आपकी खातिर, अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आपकी खातिर, अगर कवानीन बढ़ते हैं तो आपकी खातिर, अब डिपेंडेंट है सारे आप पे, अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इन कवानीन
حکومت ان قوانین پہ کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ عمل درآمد کریں گے تو یقین کیجئے کہ اس میں آپ کی جان بچے گی, آپ کے بچوں کی جان بچے گی اور آپ کسی کی جان بچائیں گے. ان شاء اللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. We'll be right back.